तो भाई वेलकम टू भाई टू यूट्यूब चैनल दुर्गा कटारिया। और भाई बज रहे हैं 6 और मेरे 6 बजे व्लॉगिंग स्टार्ट हो गए बिकॉज पोछा लगाने जा रही थी क्योंकि मेरी पोछे से शुरुआत हो रही है क्योंकि आज है रामनवमी। इसके बाद मुझे खाना बनाना है। बगैर नहाए तो बगैर काम करे मैं खाना नहीं बना सकती, इसलिए मैं 6 बजे ही काम करके फ्री होके अपना किचन में जाऊँगी। इसके बाद तो आगे मैं खाना दिखाई दूंगी मैं क्या क्या बना रही हूँ कैसे बनाऊंगी। तो पहले काम कर लेते हैं फटाफट। तो भाई मैंने तो अपना जो कपड़े पहनने थे आ था पिकॉक कलर का डे पिकॉक हाँ पिकॉक पिकॉक जो मैंने पहना था अभी ब्लू सर वो ब्लू नहीं था पर वो पिकॉक कलर था। और आज है सिद्धिदात्री देवी का दिन और आज है रामनवमी सो जय माता दी। मैंने खाना बना लिया भोग लगा लिया वो सब आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एंड अब मैंने चेंज कर लिया मेहरून इसलिए पहना कि मेरा ये वाला सूट भाई बहुत फेवरेट है। मैं शादी में आया था इनकी तरफ से बटी मेरा बहुत फेवरेट सूट बस यही सूट फेवरेट है तो मैंने यही चेंज किया है बस थोड़ी सी फिटिंग कर ली थोड़ी सी लूज हो गया था क्योंकि मेरा पेट चला गया। अब इनको रेडी करते हैं उसके बाद कंचकों के लिए खाना बनाऊंगी मतलब पूरी बनाऊंगी। बाकी सब रेडी है सब कुछ रेडी है। इनसे वो छिलवाना है नारियल ये नहा ले तो इनसे ही करवाऊंगी क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि औरतें नहीं करती अच्छा नहीं होता है आदमियों को ही करना चाहिए। तो उसके बाद मैं कॉल करती हूँ नीलम को कि भाई क्या है तैयारी वारी हुई मेरे लिए भेज दे भाई तो उनसे पूछती हूँ। बाकी मैं तैयार हूँ इनको तैयार करते भाई ले लेता हूँ। इसमें आपको आपका टीका लगा दो मैडम टीका जरूरी है लंबा तो भाई इन दिनों मैंने लंबा टीका लगाया कैसा लग रहा हूँ भाई मैं लंबे टीके मस्त लगता हूँ छोटे तो भाई आज का दिन अलग था मैं बताऊंगी। पहले इनका जो काम कराना वो करा लो 15 मिनट में बच्चे आने वाले पहले अपना जो काम है वो कर लो। ओके तो भाई पूजा हो चुकी है भोग लग चुका है और अब तैयारी है इसको छिलवाने की।
तो इसका वो तो आप ही पियोगे पानी। हाँ पिछली बार भी पिया था हम दोनों ने। अच्छा लगता है यार इतना सब पानी है ना। पहले छील लो फिर कटोरी लाके देंगे, वही इनसे छिलवाने का रीजन यार कौन से उसमें तो नहीं। नहीं अभी तो नीचे रख दो, भले मैं उठा लूंगी बाद में, उसमें छील के रख देना। तो भाई इनसे छिलवाने का रीज़न मैं बता देती हूँ, जिनको ना पता हो उनको भी और जिनको पता हो उनको भी। भाई ये चीज़ें औरतों को नहीं छीलनी चाहिए, बिकॉज इसके अंदर जैसे एक फल का बीज होता है, वो बीज होता है जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, जैसे उनके अंदर एक बच्चा होता है उसको बीज कहते हैं, तो ये भी एक तरीके का बीज होता है। जब हम इसको फोड़ेंगे इन द सेंस हम किसी एज अ बच्चे को ख़त्म कर रहे हैं, तो भाई वो चीज़ लेडीज़ को नहीं करनी, इसलिए आदमियों से छिलवाना चाहिए, ठीक है ना। पहले जब घर पे पापा करते थे मेरे को पता नहीं था, तो पापा कहते थे नहीं बेटा तू नहीं करेगी भैया करेगा, जब मुझे रीज़न नहीं पता था। लेकिन अब जब शादी हो गई है, बड़े हो गए हैं, चीज़ें करने लगे, तब रीज़न भी पता चलने लग गए ना, पहले किसी को नहीं पता होता। भाई मुझे मेरा ये तीसरा नवरात्र है, चौथा है, तीसरा में, हाँ नहीं जून में भी तो आया होगा ना आने के बाद। हाँ हाँ जून, फिर अक्टूबर, फिर एक जून, फिर अक्टूबर, फोर्थ है। ऐसे छिलवाते हैं, ये छील सकते हैं, मेरे बस की नहीं है और मुझे करना भी नहीं है, छीलने देते हैं आपको, ठीक है। वैसे इसमें उतना ही पानी था जितना हम लेकर आए थे ना, लेकर आए थे उतना ही था, बट आपने कर दिया गलत, इधर भी लिया बहुत ज्यादा है, चीनी मिली है इसके अंदर, अब पियो इसको। अब इसको और भी छील लो, पूरा छील लो इसको, हाँ छील लूंगा अभी, चलो तो भाई यहाँ पे हमारे लिए कन्या है ना, पूरी नहीं लेकर आया। कीर्ति कैसे कैसे कम रहेगी भाई बता दे, छोड़े पर देख भाई यशु ने देख लो, यशु बिल्कुल आगे राजी नहीं, यशु आज बेटा अब तो डेली मिल रहे हैं फिर भी ना आ रही, क्या करूं है यशु बेटा आजा आजा ना वे कती भी अब सारे एक एक कर दो, चलो आप जाओ पहले, रुको बेटा आप रुको, आप जाओ यशु आ जाए इधर साइड हो जाए चलो तुम जब मंदिर जाओ फटाफट बन चुकी है भाई, हम मैडम पहले पूजा करेंगे इनकी, यशु सबसे छोटी है, हाय राम ना जिद्दील आई
बन गया क्या हुआ यशु को? यशु को क्या हुआ? आ रोता है। चल टॉफी दे। पता से जला दे। ये थोड़ा सा उसके मुंह में थोड़ा डाल देना। देना बना दो। बेटा खाया करो, डाइट अच्छी रखो, प्रोटीन ला दो सब टाइम। रितिक तेल ले लिया हम, प्रोटीन डब्बा ले लिया है थोड़ा सा। खाया 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 यशु, ए यशु ना भाई स्वाद ना आया इसमें। थोड़ा टेस्ट अलग लाओ। हाँ बता दे यीशु कितना बड़ा। यीशु कितना बड़ा? यीशु बोल रहे। यीशु कितना बड़ा? यीशु कितना बड़ा है? चल क्लैपिंग कर दे। क्लैपिंग ना पागल मत ना बनाओ मेरा। वाली ये वाली तुम्हारी ये भी सोर मार जा रही है। पैसे कम पड़ते थे 10-10 वाले। तुम्हारी बहन है ना वो, और तुम्हारा भाई है वो। ये लेके जाने बेटा, ये पेट छोड़ दो ना, ये साथ ले जाना। मेरे बेटा मेरे पास आ जाए ना, कितना प्यारा बेटा है। आइयो आ जा, जान हो रही है, निकल तो सही हमें। ठीक है, बाय बाय। तो भाई मेरी नवरात्र की पूजा हुई संपन्न। अभी तक मैंने कुछ खाया पिया कुछ नहीं। अब देखो भाई, देखो अब मैं मैडम का काम कर रहे थे, मैडम ने इतने दिन मेरे को बना बना खिलाया है,
तो भाई अब मेरा फर्ज बनता है मैडम को मैं बना बना के खिलाऊंगा। तो भाई मैडम ने जितने पूरी बना रहे थे बना ले थी, फिर उसके बाद मैं खिलाऊंगा मैडम को, पहले पहले मैडम खाई थी फिर मैं, फिर भाई मेरे लिए माता यही है। चलो भाई किचन को भी जल्दी से फटाफट समेटते हैं, फिलहाल भी नहीं मैंने वो समेट लेते हैं फिर करते आगे खाने पीने का। ओके भाई सब निपटा के खाना गौशाला में दे के, जो भी बच्चों से बचा था या जो रखा था सारी चीज़ें गौशाला में दे के खिला के किचन साफ करके, और अपना खाना रेडी है भाई, सब्जी छोले हलवा पूरी। और इनकी डिमांड है कि पहले ये मुझे खिलाना चाहते हैं, तो भाई चलो बैठे खाना खाते हैं, और उसके बाद लंबा लेट हो के मैं तो सोने वाली हूँ। बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है ना, नींद से ज्यादा पैरों में मतलब थकावट सी फील हो रही है। चल आ जा मैं दबा दूँ। नहीं नहीं आप नहीं दबा सकते, ये हक नहीं है साहब को, कोई दिक्कत नहीं। चलो खाना खाते हो, टीवी देखते हैं। चलो जी। तो भाई सुबह तो मैं नहीं आई थी जिम क्योंकि मैं अपना बिजी थी काम में, बट ये आए थे अपना करके चले गए, उसके बाद दोबारा आए भी नहीं है। और ये शूज जो दिख रहे हैं ध्यान से देखो भाई, आए कोलैबोरेशन के लिए, तो ये श्राद्धों के आए हुए हैं, और अब खोले तो श्राद्धों में खोल नहीं सकते थे बेचारे, कॉल भी आया था पर जब हमारा चल रहा था कॉम्पिटिशन का वक्त तो नहीं कर पाए, और श्राद्ध भी चल रहे थे भैया। फाइनली ये खोले, सब कोलैबोरेशन किया है, वीडियोज़ बनाई है, हम उसको पोस्ट कर देंगे। चलो करवाते हैं इनका वर्कआउट, बाकी मैं तो अभी नहीं कर रही हूँ, मैं बताऊँगी जब करूँगी दिखाई दूँगी। तो भैया आज भी मैं इनकी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दिखाई, बस यही एक एक्सरसाइज दिखाई है, मतलब कि हाँ मैं वर्कआउट करवाने आई थी, ब्लॉगिंग मैंने की थी इनकी हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, ऑलरेडी ब्लॉग आधे ज़्यादा बड़ा हो चुका है सुबह नवरात्रि के चक्कर में, राइट। तो एक ही वीडियो दिखाऊंगी इनके वर्कआउट की जब मैं स्टार्ट करूंगी, जब पूरा दिखाया करूंगी। कितनी एक्सरसाइज बची है अभी? एक और बची है, ठीक कर लो। तो भाई साथ में जिम आने का सिर्फ रीज़न ये नहीं इनको वर्कआउट करना पड़ता है, जब मेरे पास बैठ के थोड़ी देर मतलब सांस लेते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मुझे पसीना आता है, तो मेरे ना ठंडी से पसीने पोंछते जाती हूँ, और ये बैठते भी जान पूछ के कि ये पोंछ दे। सही है ना, चलो उठो कर लो पोंछ दिए। इसका आखिरी सेट, फिर एक एक्सरसाइज और फिर फिनिश। आज मैडम को घुमा दिया है पूरी सेक्टर 14 की मार्केट, कुछ नहीं है यहाँ, जो लोग आते पागल हैं, पागल बनती है। और भाई कुछ ना मिला तो जो मनी इडली और डोसा खा लो, और चला फिर घर है। झाड़ो निकालना और यहाँ दे दो, तो आप बताओ कुछ सही सही है खरीदने लायक नहीं, एक दे लेगा तो मुझे लगा तो मैडम मेरे को रोज फल फ्रूट खाने पहले खा लो, कल खा लेना, तो यहाँ नहीं आना होगा ना, वो फल फ्रूट नहीं मिलते पहले वो तो खाने का खा रहे। तो भाई अपना इडली और डोसा करवा लिया, भूख लग रही थी, वर्कआउट करते ही और लंच करने के बाद मैडम यहाँ घुमा दिया, मैंने यही कह दी भाई कुछ ना मिला तो वही हो गया, मिला ही ना। तो भाई अपनी इडली तो आ चुकी है, तो स्टार्ट करते हैं खाना। हाथ धुला दूँ मैंने कपड़े ऊपर से किए, हाथ धोने के अंदर मैडम जाओ। तो भाई जो जो लोग सेक्टर 14 जाके और पैसे फूक के आते हैं उनको शाबाशी है फूकने के लिए, कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे लोग लेते हैं, और चीज़ एक ढेले भर की नहीं है, इससे बेटर मित्रा है, और जिसको पास अपनी कोई शॉप पड़ती हो वहाँ से ले लो भाई, कपड़े में जान नहीं है और 5,000 कपड़ा है, सोचता नहीं सर बोलने से पहले कि सर कमा के खरीद रहा है, नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं फिर भी अपने लिए 5 पेयर घर के लिए कपड़े लाई, जो कि मिंत्रा से मैंने ऑर्डर कर चुकी थी, भले मैं दिखा दूंगी पर मैंने आने के बाद किया है कैंसिल, तो मैंने 5 पेयर लिए हैं अलग अलग उसके डिज़ाइन के भाई, एक मैंने ये लिया है, एक मैंने ये लिया है, इनके साथ सबके साथ नीचे हैं लोअर, और एक ये है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, पिंक वाला ये है, एक वो ब्लू वाला, हाँ और एक ये है, सबके नीचे लोअर है और डिफरेंट मतलब डिजाइन है, कोई भी सेम डिजाइन का सेम, और मुझे ये सबसे तक खिलता सा कलर लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो भाई इनकी बस मुझे फिटिंग करानी, बिकॉज मेरे साइज का नहीं मिला है, मेरे साइज पर 38 भी ना आता, मेरे को तो फिर फिटिंग कराना पड़ता। तो बाकी शॉपिंग कल देखते हैं, कल मिलते हैं मॉर्निंग में, बिकॉज आज बहुत थक चुके हो, सूबी के सोने का मन कर रहा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, गर्म भूख लगी है। तो भाई कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी एंड हैप्पी दशहरा।